हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनएच हाईवे 48 को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है हर तरफ से। शाहजहाँपुर टोल प्लाजा को भी बंद कर दिया गया है, और इससे पहले जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था, सतपुरा मोड़, खेड़ा बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, गूगल कोटा मोड़ सभी बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में भी बंद किया गया है। सुलखा गांव से भी बंद किया गया है। हर तरफ से किसानों ने आज पूरा भारत बंद का कुछ असर देखने को मिलेगा। पूर्ण रूप से काफ़ी जगहों पर बंद किया हुआ है। लोकल ग्रामीण क्षेत्रों से ही कुछ ट्रैफिक निकलने लग रहा है। अब देखना ये है कि क्या सरकार झुकेगी या किसान झुकेगा। सरकार मानने को तैयार नहीं तो उधर किसान भी मानने को तैयार नहीं है। देखना यह है कि आंदोलन कब तक चलता है, कब तक नहीं। राकेश टिकैत का कहना है कि अक्टूबर तक यह आंदोलन चलेगा, पर एक जगह एक तरह से माना जाए तो क्या ये सही है? भारत बंद मतलब जैसे कि बंद किया हुआ है, ये सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कोई यदि मोटरसाइकिल वाला छोटे मतलब नज़दीकी ग्राम का है तो उसको भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पीछे से घूम के आओ, कुछ ऐसे भी विजुअल देखने को मिले। तो अभी हम बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है ये। शाहजहाँपुर हरियाणा बॉर्डर बिल्कुल बंद था, 2 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा था। तो आज पूरे भारत बंद का ऐलान था किसानों का, तो भारत बंद के ऐलान में पूरे संपूर्ण रूप से असर देखने को मिल रहा है। निमराणा शाहजहाँपुर में संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है एनएच हाईवे 48 को। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ ट्रैफिक चलने लग रहा है। 12 बजे से 3 बजे तक का इनका आह्वान है, 3 घंटे करीबन ये बंद रहेगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे। आज विभिन्न किसान संगठनों द्वारा 12 से 3 बजे तक चक्का जाम का और टोल पे और प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, तो उसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और सभी स्थानों पर न केवल स्थानीय थाने का जाप्ता बल्कि बाहर से थानों का जाप्ता भी बुलाया है और आरएसी का जाप्ता भी है, और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था पूरे इंतजाम की है। सर, शांतिपूर्ण रह रहे हैं प्रदर्शन? हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण।